इस पेशेंट के डॉक्टर कौन है? तो फिर ना जो डायरेक्टर होता है वो हॉस्पिटल का, वो कहते हैं कि इस पेशेंट के डॉक्टर मिस्टर हांग है। तो फिर कहते हैं कि ना अच्छा, मैं क्या उसका इस पेशेंट का डॉक्टर बन सकता हूँ, मतलब इस पेशेंट को मैं अपने अंडर ले सकता हूँ। तो फिर ना वो जो मिस्टर हान होते हैं वो उसकी तरफ, मिस्टर हान कहते सॉरी, जो डायरेक्टर होते हैं वो उसकी तरफ देखते, कहते क्यों एक्चुअली, बट क्यों अचानक से इस पेशेंट में आपको इंटरेस्ट क्या है? तो फिर जो यंग होता है वो प्रोफेशनल होता है, तो फिर उसका बात करनी आती होती है। तो वो इस तरह बोलते हैं कि ना मैं देखा, मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी और उसके अंदर 1 ईयर में जो उसके साथ होता था पिछले 3 ईयर से, अब उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक ट्राई करूँ, तो हो सकता है सब ठीक हो जाए। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो भी मान जाते हैं और डायरेक्टर होते हैं वो मान जाते हैं, और फिर मिस्टर हांग को बुलाते हैं और फिर वो आते हैं। फिर ना योंगी बताते हैं कि इस पेशेंट को मैं लेना चाहता हूँ, तो फिर मिस्टर हांग भी मान जाते हैं क्योंकि डायरेक्टर का ऑर्डर होता है, तो फिर वो भी मान जाते हैं। और उसके बाद जो जिमिन होता है उसका अब चेकअप करने के लिए जा रहा होता है योंगी, क्योंकि अब वो योंगी का पेशेंट था। तो जैसे ही योंगी वहाँ जाता है जिमिन की तरफ देखते हैं, और जिमिन उसकी तरफ देख रहा होता है एक अजीब फेस से। उसके बाद फिर ना वो ऐसे अपनी आईज क्लोज करते हैं और फिर ना वापस लेट जाते हैं क्योंकि वो बैठा हुआ होता है। तो जो जो शुगर होता है वो उसके पास जाता है और उसको चेक करने लगता है, उसके साथ चेक कर रहा होता है, उसको इंजेक्शन लगा रहा होता है। और जो जिमिन होता है उसने सिर्फ अपनी आईज क्लोज की होती है, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद जब योगी ना जाने लगता है तो फिर उसके माइंड में कुछ आता है और फिर ना वो जाने के बजाय वहीं बैठ जाता है, और नर्स वहाँ खड़ी होती है तो नर्स को भेज देता है। तो फिर ना जब जिमिन को फील होता है कि उसके पास कोई बैठा है तो अपनी आईज ओपन करता है और योगी की तरफ देखता है, क्योंकि योगी बिल्कुल उसके साथ बेंच जो पड़ा हुआ था उसके बेड के साथ उस पर बैठा हुआ होता है। तो फर्स्ट जीवन उसकी तरफ देखता है बट कुछ कहता नहीं, उसके बाद फिर वापस अपनी आईज क्लोज कर लेता है। तो फिर जो योंगी कहता है, हाय माय नेम इज योंगी, मैं तुम्हारा न्यू डॉक्टर हूँ। तो फिर ना जीवन उसकी तरफ देखते हैं कोल्ड आई से, और उसके बाद वापस अपना फेस टर्न कर लेता है। तो फिर ना योंगी कहता है, ओ कम ऑन बात करो ना, मुझसे आएगा, मुझसे बात करके तो देखो हो सकता है तुम्हें मैं पसंद आ जाऊँ, मेरी बातें करना तुम्हें अच्छी लगे, मेरी कंपनी तुम्हें पसंद आ जाए। तो फिर ना जो जीवन होता है वो कोई रिएक्शन नहीं देता, वैसे उसने अपना फेस टर्न किया था। योंगी कहता है, ओ कम ऑन देखो ना इधर, हेलो चलो अच्छा ठीक है, फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन करते, मैंने तो अपना नाम बता दिया, तो अब तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर ना जीवन उसकी तरफ देखता है और फिर ना कुछ सोचने लगता है, और फर्स्ट टाइम वो ना कुछ सोचने लगता है, किसी की बात पे रिएक्ट करता है क्योंकि ना उसके फेस से लग रहा था वो कुछ सोच रहा है। तो फिर ना योंगी उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देख रहा था क्योंकि जो जिमिन होता है वो भी कन्फ्यूज लग रहा था। और फिर वो ना योंगी की तरफ देखता है और फिर कहता है कि मेरा नाम मुझे नहीं पता, बहुत ही लो वॉइस में बोलता है जैसे उसने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं बोलने में। तो इस तरह बोलता है और उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा क्रैक भी हो रही थी, जिसे सुन के जो योंगी था वो थोड़ा स्टंट भी रह गया था, बट कुछ कहता नहीं है। और फिर कहते कि ना क्या मैं तुम्हें तुम्हारा नाम बताऊँ? तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ कन्फ्यूज फेस से देखता है और फिर बहुत ही लो वॉइस में बोलता है कि तुम्हें, फिर अगर तुम्हें मेरा नाम पता है तो तुमने मुझे क्यों, मुझसे क्यों पूछा कि मेरा नाम क्या है? और वहाँ पे एक नर्स अभी भी होती क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी जिमिन के साथ खड़ा होना, मतलब उसकी बिल्कुल ही कहते नहीं है फुल टाइम जॉब होती है। तो फिर वो वहाँ से निकली होती है और वो बहुत शौक होती है जिमिन को बात करता सुन के, क्योंकि वो पिछले 4 साल से यहीं थी, तो उस जिमिन का फर्स्ट ईयर का भी उसके बारे में पता है और पिछले 3 ईयर्स तो बिल्कुल भी नहीं बोला था। और योंगी के साथ बात करते हैं देख के उस फुल शौक थी, और फिर ना योंगी और जिमिन की तरफ शौक से इसे देख रही होती है, तो ये चीज़ में योंगी नोटिस करता है। तो बट कुछ कहता नहीं है और फिर ना जिमिन की तरफ देखते हैं और फिर ना कहता है कि मैं तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम्हारा रियल नेम, मैं तुम्हें एक निक नेम दूंगा। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखता है और फिर ना उसकी तरफ देख के कहता है क्यों? तो फिर ना तो जो योंगी होता है वो एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर कहता है कि तुम एक काफ़ी क्यूट पर्सनैलिटी हो, तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो तुम, तो मैं तुम्हें नाम दूंगा मोची।
तो फिर नज्जी में दूसरी तरफ ना एक अजीब फेस से देखता है, तो फिर कहता है क्या हुआ तुम्हें नेम पसंद नहीं आया, बट जो जिमिन होता है वो कुछ कहता नहीं है, तो फिर कहते हैं कि ना बताओ ना तुम्हें नाम पसंद आया या नहीं, वरना मैं चेंज कर दूँ या फिर मैं कुछ ना दूँ। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो बहुत लो वॉइस में बोलता है तुमने जो नाम दिया मुझे पसंद आया, बस इतना बोलता है हल्का सा। तो फिर ना जूंगी को ये अच्छा लगता है देख के, और उसके बाद फिर ना वो ना उसको चेक करते हैं, उसकी मेडिसिन देते हैं, और फिर ना कहते हैं कि ना अपना ख्याल रखना मैं तुम्हें कल चेक करने आऊँगा। तो फिर जो जिमिन होता है वो सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो वो नर्स होती है, जब वो जूंगी जाने लगा था तो जो जूंगी था उसने नर्स को बुला लिया था उसको बात करने के लिए। तो फिर जो नर्स होती है वो जैसे बाहर जाती है तो फिर जिमिन देख रहा होता है उन दोनों की तरफ ही, बट वो कुछ कहता नहीं और अपनी आइज क्लोज करता है, और उसको नींद आ जाती है कि मेडिसिन के असर की वजह से, और वो सो जाता है। और जो यूँ ही होता है वो उस नर्स को अपने कैबिन में बुलाते हैं और फिर उससे बात करता है, उससे कहते हैं कि नम क्या हुआ तो मैं इतनी शौक क्यों थी जब जब वो कि मैंने उससे बात कर रहा था। तो फिर कहते हैं आपको उस पेशेंट का नाम बताया, फिर आप उससे क्यों पूछ रहे थे। तो फिर कहते हैं कि ना पेशेंट से ना इंटरेक्ट करने के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर ना वो नर्स कहती है ओके, और कहते हैं तुम हमारी तरफ शौक फिर से क्यों देख रहे थी, वो पूछते हैं होंगी। तो फिर वो कहती है कि ना एक्चुअली काफ़ी डॉक्टर्स ने जिमिन के साथ बात करने की कोशिश की थी, बट उसने कभी किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया, कभी भी किसी को, बट ये फर्स्ट टाइम है कि आप फर्स्ट टाइम उसको देखे और उसने आपको रिप्लाई किया, इसलिए बस मैं शौक थी, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स आए थे। मिस्टर हान तो उसके काफ़ी टाइम से थे, बट उसके पास और डॉक्टर्स भी आते थे उसको चेक करने के लिए, उसको करने, उससे ना बात करने, उससे इंटरेक्ट करने, बट कभी भी उसने जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उससे नाम भी पूछा बट उसने कोई नाम जवाब नहीं दिया, बट ये फर्स्ट टाइम है कि उसने आपके बात का जवाब दिया, इसलिए मैं शौक थी। तो फिर ये सुन गई होंगी भी शौक होता है, उसके बाद एक छोटी सी स्माइल करते और फिर कहता ओके ठीक है उसके पास जाओ वो शायद अकेला हो। तो फिर ना कि वो जो नर्स होती कहते और कह के वहाँ से चली जाती है।